मालेगांव रमजानपुरा पुलिस स्टेशन, यहाँ पर 302 120 बे के तहत जो है सीआर नंबर 22/2024 दाखिल हुआ है। इसमें फरियादी इस्माइल खान ईसा खान रहने वाले, ये जो है नागछाप झोपड़पट्टी के, इन्होंने फरियाद दिए हैं कि उनको ऐसा पता चला कि उनके दामाद ने सिल्लोड़ से उनको फ़ोन किया, फ़ोन करके ऐसा बताया कि भाई ये जो इब्राहिम है उनका लड़का, उसको आवाड़ी नाले के पास में किसी ने तो भी मारा हुआ है और वो जख्मी हालत में वहाँ पर पड़ा हुआ है। उस वक्त ऐसा समझ में आया कि भाई ये इस्माइल खान वहाँ पर गए, वहाँ पर इन्होंने ऐसा देखा कि बच्चा खून निकल रहा और जख्मी हालत में वहाँ पर पड़ा हुआ था। ये जैसी वहाँ पर पहुँचे, उसी वक्त पुलिस की वैन और एक एम्बुलेंस आई और ये एम्बुलेंस के अंदर बच्चे को डाला गया, सिविल हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पर डॉक्टर ने ये बताया कि भाई ये बच्चे का इंतकाल हो गया। उसके बाद में ये रमजानपुरा पुलिस स्टेशन में आके इन्होंने फरियाद दिए। फरियाद में इन्होंने ऐसा बताए हुए हैं कि भाई किन किन लोगों पर इनको शक है कि भाई कौन कौन लोग ये बच्चे के साथ इस तरीके की हरकत कर सकते। उस वक्त इन्होंने ऐसा बताया कि भाई कुछ पुरानी रंजिश जो थी ये 5 लोगों की, 3 महीने पहले 2 महीने पहले कुछ उनकी पुरानी रंजिश के तहत मेरे बच्चे को मारा गया, ऐसा शक बदल उन्होंने पुलिस स्टेशन के अंदर FIR दिए हुए हैं। इस मामले में पुलिस ने शेख यूसुफ और उनका लड़का रेहान शेख, ये 2 लोगों को कल अरेस्ट किया था। आज कोर्ट के सामने उन्होंने हाजिर किए। पुलिस का ऐसा कहना था कि भाई इसके अंदर और भी लोगों को अरेस्ट करना है, कुछ हथियार वगैरह जब्त करना बाकी है, उसके अलावा और भी तहकीकात करना है कि भाई ये होने का क्या रीज़न था, किस वजह से ये इस तरीके का हादसा हुआ। कोर्ट के सामने हम लोग ये बात रखे कि भाई हमारा तो दूर दूर से ये दोनों आरोपी का इस मामले में ताल्लुकात नहीं है। पुरानी रंजिश रहना अलग बात है, लेकिन इस तरीके की हरकत जो है, मर्डर जो है, हमने नहीं किए हुए हैं। हमको इसमें एक शक बदल अरेस्ट किया गया है और बाकी आरोपी को अभी अरेस्ट करना बाकी है। उसके ताल्लुक से मैंने ये बताया कि भाई वो लोगों के नाम वगैरह सब फरियादी को मालूम है, फरियादी ने वो लोगों के नाम वगैरह भी सब दे चुका है। इसके लिए वो रीज़न के लिए इनको कोई पुलिस कस्टडी की ज़रूरत नहीं है। पुलिस ने 7 दिन की कस्टडी मांगी थी, उसमें से कोर्ट ने दोनों की बातें सुनकर 4 दिन की कस्टडी इनको ग्रैंड की है और अब 4 दिन बाद इनको वापस कोर्ट के सामने लाकर पेश करने वाले हैं। अब पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या लाती है ये 4 दिन बाद और पता चलेगा। मीडिया, अब सोशल मीडिया की बात तो मुझे नहीं पता, लेकिन FIR सबसे अहमियत का डॉक्यूमेंट है। FIR के अंदर जो चीज़ आ गई, कोर्ट के सामने जो डॉक्यूमेंट आ गए, वो डॉक्यूमेंट और वो FIR अहमियत रखते हैं। इसीलिए अगर किसी ने कुछ बताया है तो उसके बारे में मुझे नहीं पता, जो हकीकत है वो मैंने आपके सामने रख दिया हूँ। FIR के अंदर आरोपी के नाम है